बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे एडस्टेरा एड नेटवर्क के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, एडस्टेरा एड नेटवर्क का जो है वो मैं रिव्यू करूँगा, एडस्टेरा का रिव्यू करूँगा, ठीक है। और एडस्टेरा की पेमेंट प्रूफ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और ये एक बेस्ट जो है वो गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव साबित होने वाला है फॉर ब्लॉगर, जो लोग ब्लॉग यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लॉगर पर काम करते हैं वर्डप्रेस के लिए, ठीक है, उनके पास होस्टिंग नहीं है या फिर डोमेन वगैरह नहीं है, तो फ्री में डोमेन के साथ आप किस तरह से इस एड से अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। मैं किस तरह से अर्निंग कर रहा हूँ, इसका पेमेंट प्रूफ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, इसका CPM क्या है, कौन सी कंट्री में कौन सा CPM चलता है, ठीक है, किस हिसाब से इसमें अर्निंग होती है, इसका जो विड्रॉल का मेथड क्या है, और कम से कम कितने विड्रॉल जो है वो आप इस पर निकाल सकते हैं, कितनी मनी जो है वो आप इस पर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग जो है वो वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो आपने मेरे इस चैनल आते हुए को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर सबसे पहले आपको पेमेंट प्रूफ दिखाता हूँ और उसके बाद दिखाते होंगे इस पर हम कैसे काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो है वो इसका पेमेंट प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है, और कितने जो है वो कम जो है वो हम पेमेंट इस पर ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पेमेंट ले सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इस प्रोफाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवेलेबल बैलेंस जो है वो मेरे पास इतना है, ठीक है, आप देख सकते हैं 5.61 डॉलर, ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास अवेलेबल बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेमेंट्स पर चलता हूँ और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले पेमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो पेमेंट है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है वो पेमेंट वेब मनी में जो मैंने ली है, ठीक है, यहाँ पर आपको पेमेंट नज़र आ रही होगी, ठीक है, कि वेब मनी में यहाँ पर मैंने इसका विड्रॉ लिया है कि 5.64 USD का जो है वो मैंने यहाँ पर इसमें विड्रॉ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह की अर्निंग है, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं कि जो है वो 15 जो है वो जुलाई से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो मैंने जनवरी से इसको शुरू किया था, बहरहाल मैंने इस पर कोई काम नहीं किया, लेकिन सही मैंने जो काम किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस अंदाज़ से मैंने इस पर काम करना शुरू किया, यानी कि जुलाई में मैंने इस पर काम शुरू किया और आस्ता आस्ता से इस पर जो है वो अर्निंग किया। यहाँ पर मैं स्टैट्स पर चला जाता हूँ और आपको जो है वो इसके स्टैट्स दिखा देता हूँ, कौन सी कंट्री से कितने ज़्यादा जो है हमें विजिटर्स मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 जुलाई पर आ जाता हूँ, ठीक है, 1 जुलाई को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9000 जो है वो इंप्रेशन मुझे मिले हैं, 9000 इंप्रेशन पर यहाँ पर देख सकते हैं मुझे $7 की जो है वो अर्निंग हुई है, ठीक है, 9000 इंप्रेशन पर मुझे कितनी अर्निंग है, $7 की अर्निंग हुई है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 0.77 जो है वो मेरे पास CPM आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 11 क्लिक्स और 0.12 का CTR, ठीक है, यहाँ पर ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पर इंप्रेशन शो होते हैं, यहाँ पर क्लिक शो होते हैं, यहाँ पर CTR, यहाँ पर CPM, यहाँ पर रेवेन्यू शो होती है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको यूनाइटेड स्टेट की जो है वो रेवेन्यू दिखा देता हूँ, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम जो बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम है, जहाँ से आपको अच्छी खासी रेवेन्यू मिलती है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि 213 जो है वो इंप्रेशन मिले हैं मुझे, 3 क्लिक्स मिले हैं, 1.4 का CTR आया है, ठीक है, $15 का यहाँ पर मुझे CPM मिला है, $3.2 की यहाँ पर मुझे अर्निंग हुई है, देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर मुझे अर्निंग जो है वो रिसीव हुई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको यूनाइटेड किंगडम का CPM भी दिखा देता हूँ, पेमेंट प्रूफ जो कि आपने देख लिया, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम का CPM दिखा देता हूँ। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 95 जो है वो मेरे पास इंप्रेशन है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.74 जो है USD की मेरे पास अर्निंग है, ठीक है, क्लिक्स वगैरह 0 है, $7 का यहाँ पर मुझे CPM मिला है। और उसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान एंड इंडिया का भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, वो पाकिस्तान एंड इंडिया ऐसे जो ब्लॉगर पर जो है वो इसको यूज़ करते हैं, वो चलिए मैं आपको दिखा सकते हैं कि 1500 जो है वो मुझे इंप्रेशन मिले और अर्निंग देखे 0.005, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हम आखिर पर हम जो है वो इंडिया को दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कि इंडिया के हमें कितनी जो है वो CPM मिल रहा है, कितने व्यूज़ को, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 3451 जो है वो हमारे पास इंप्रेशन आए हैं, 3 क्लिक आए हैं, CTR देखे और CPM देख लिया, 0 अर्निंग देख ली, 0।
ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो प्रीमियम कंट्रीज हैं, आप यूट्यूब पर आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि जो है वो टॉप 10 या टॉप 5 प्रीमियम कंट्रीज कौन सी हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप इस ऐड नेटवर्क को यूज़ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा नेटवर्क है, मेरे लिए तो अच्छा है क्योंकि मैं मेरी जो है वो ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स से भी आती है, यूनाइटेड किंगडम से भी आती है, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन जैसी कंट्रीज से भी मेरी जो है वो विजिटर्स आते हैं, ठीक है, और वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह अगर आपके ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, बर्मिंघम वगैरह जैसे कि छोटी छोटी सिटीज़ हैं इंग्लैंड की, ठीक है, उसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, इटली, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं प्रीमियम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर आपकी ट्रैफिक वहाँ से आ रही है दैन आप अच्छी खासी जो है यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें रेफरल का सिस्टम भी है, ठीक है, आप रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना, आगे आपके सामने पूरी पोस्ट आ जाएगी, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नीचे से आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेफर जो है वो एक रेफरल आया है जिससे मुझे थोड़ी बहुत जो है वो अर्निंग हुई है, ठीक है। तो इसका पेमेंट प्रूफ आप दिखा दिए, ये बिल्कुल रियल वेबसाइट है, आपको पेमेंट बिल्कुल देगी, 100% देगी, और आपके अर्निंग भी दिखा दिए कि हमारा CPM क्या रहा है, ठीक है, किस हिसाब से हमारा CPM रहा है, ठीक है। और ब्लॉगर पर, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँगा ब्लॉगर पर आपको फ़ौरन जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको इसमें अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे जो पुराना ब्लॉग था, ठीक है, जो पुरानी मेरा चैनल था, ठीक है, वो कुछ लोग जानते होंगे, ठीक है, जो मैं यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, अगर मैं उसके ब्लॉग को विज़िट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने एड्स जो है वो शो रहेंगे। मेरा जो न्यू ब्लॉग है nishantkumar.com, इस पर मैंने एड्स फिलहाल रन नहीं किए, ठीक है, लेकिन मैं आपको जिस दिखाने के लिए अपना पुराना जो है वो ब्लॉग ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से इसके एड्स जो है वो आपके सामने शो होते हैं, इसके इंप्रेशन से आपको अर्निंग मिलती है, इसके क्लिक से आपको अर्निंग मिलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इसमें इंप्रेशन की जो है वो अर्निंग, क्योंकि एक CPM नेटवर्क है, इंप्रेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग जो है वो मिल जाएगी। तो पेमेंट प्रूफ भी आपने देख लिया, स्टैट्स भी आपने देख लिए कि कहाँ से किस कंट्री में अच्छी अर्निंग होगी, ठीक है, और इस बार रेफरल सिस्टम भी आपने इसका देख लिया, और फ़ौरन से ब्लॉगर पर जो है वो इसका अप्रूवल भी आपको मिल जाता है, ठीक है, 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि फ़ौरन से अप्रूवल आपको, कोई भी खाली वेबसाइट है उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ तब भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको अप्रूवल कैसे लेना है, ठीक है, छोटा सा काम है, ठीक है, वो कैसे करना है, जब उसके बाद इसके ऐड वगैरह अपनी वेबसाइट पर किस तरह से पुट करने हैं, ठीक है, प्रॉपर वे से इसमें साइन अप किस तरह से करना है, ठीक है, अगर आप ये सिंपल बातें अगर आप नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, इस पर इलाज वीडियो मैं आपके लिए क्रिएट कर दूंगा। हालांकि ये बिल्कुल छोटी सी नॉर्मल बातें हैं, जो ब्लॉगर है या ब्लॉगर यूज़ करते हैं या वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, उनको ये बातों का इलम होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्री में गूगल से किस तरह से ट्रैफिक लेनी है, ठीक है, किस तरह से अपने ब्लॉग पर फ्री में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आनी है, ठीक है, तो आप जो है वो मेरी बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड पर आपको दिखा दूँगा कि वो जो वीडियोज़ हैं वो भी शो कर दूँगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरी वीडियो पसंद आई तो चाहता हूँ बिल्कुल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़ोर से लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।